एनर्जी बेस्ड जो पावर प्लांट था वो देख लिया था दैट वाज द प्लांट। ओके आज हम देखने वाले हैं थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट ये है हमारा थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट ओके okay. और ये जो आपको डायग्राम दिख रही है तो डायग्राम ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट ठीक है तो म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट की जो है ये डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ओके तो ये आपको डायग्राम जो है वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर दिख रही होगी तो यहाँ पे रिसीविंग एरिया जो है ठीक है रिसीविंग एरिया उसमें एक गाड़ी दिख रही है और यहाँ पे कुछ मेस वगैरह जाते हुए दिख रहा है और यहाँ पे जो है ग्रेट आपको लिखा हुआ दिख रहा है और दिस इज़ द एश और जो यहाँ पे जा रही है उसके ऊपर जो है हॉट गैसेज जो है वो बॉयलर में जाते हुए दिख रही है ओके और ये जो बॉयलर की जो हॉट गैसेस है इस 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 दिस इज गोइंग दिस इज दिसम तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट दॉटर इन टू तो दी स्टीम और ये जो स्टीम और इन, स्टीम का इनलेट और आउटलेट आपको दिख रहा है और ये जो है वो टर्बाइन सेक्शन है और दिस इज एयर पोल्यूशन कंट्रोल ओके और यहाँ पे जो है वो आपको ड्राई सॉरी uh, के ऊपर यानी कि हॉट गैसेस से निकल रही है ये जो सेक्शन आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है दिस इज स्प्रे ड्रायर ओके और स्प्रे ड्रायर जो है वो फैब्रिक फिल्टर से जुड़ा हुआ है दिस इज दी इस और इ जो है वो स्टैक से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ ट्रक टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है तो ये जो है वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है म्युनिसिपल पावर प्लांट का तो वन बाय वन हम इसके जो पार्ट्स हमने अभी देखे उसका वर्किंग देखेंगे ओके बेसिकली सबसे पहले देखते हैं म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट होता क्या है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी दैट waste वेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है क्या बोला गया है ये जो वेस्ट टू एनर्जी यानी कि ये जो म्युनिसिपलिटी का जो वेस्ट निकलता है ठीक है तो उसका जो मैनेजमेंट है ये फेसिलिटी करा, कराई जाती है सो so दैट जो वेस्ट है उसका हम इलेक्ट्रिसिटी uh, के जनरेशन के लिए हम यूज कर सके इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए ओके दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट इज समाइम्स कॉल्ड अ ट्रैश टू एनर्जी म्युनिसिपल वेस्ट इंसिनरेशन एनर्जी रिकवरी और रिसोर्स रिकवरी प्लांट यहाँ पे बहुत सारे नाम है इसके म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट के म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट मैं पे शॉर्ट में पीपी लिख रही हूँ पावर प्लांट आप समझ जाइएगा ठीक है तो इसके जो नाम है वो बहुत सारे हैं क्या क्या है ट्रैश टू एनर्जी ट्रैश यानी कचरा Okay, then municipal waste incineration, then energy recovery and or resource recovery plant. ठीक है तो ये जो है म्यूनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट इसको ट्रैश टू एनर्जी या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट इंसिनरेशन या फिर एनर्जी रिकवरी या फिर रिसोर्स रिकवरी प्लांट भी बोला जाता है सॉरी मॉडर्न वेस्ट एनर्जी प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैश इंसिनरेशन दैट वर कॉमनली यूज डिकेट्स एगो तो कुछ दशकों पहले क्या होता था ये जो वेस्ट एनर्जी प्लांट थे ये बहुत ही अलग थे फ्रॉम मॉडर्न वेस्ट एनर्जी प्लांट्स ओके ये बहुत ही डिफरेंट हुआ करते थे और अनलाइक मॉडर्न वंस दो यूजली डिड नॉट रिमूव रिमूवस और रिसाइकलेबल मटेरियल्स बिफोर बर्निंग तो क्या होता था बर्निंग के लिए ये जो बर्निंग बॉयलर का जो सेक्शन है ठीक है ठीक है तो इस सेक्शन में से जो मटेरियल्स होते थे hazardous, और जो uh, बहुत ही हानिकारक मटेरियल्स होते थे ये रिसाइकलेबल मटेरियल नहीं होते थे ठीक है तो ये जो मटेरियल होते थे बर्निंग के पहले जो है वो रिमूव नहीं किए जाते थे दिस इंसिन प्लांट वर्कर्स एंड एंड इनजर बाई बाजू जो जो भी का प्लांट था या फिर इस प्लांट में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उसके लिए बहुत ही धोखा था ठीक है सो दिस सॉरी एंड द मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और मोस्ट ऑफ दी जो मटेरियल्स थे यानी कि जो हम Uh, जो हम ट्रैश यू, यूज करते हैं यानी कि जो वेस्ट उसमें से बहुत से ऐसे पदार्थ होते थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के काम में भी नहीं आते थे और साथ साथ पोल्यूशन भी जो है वो किया करते थे तो उसका अगर कोई मतलब ही नहीं है कोई जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों उसको हमारे प्लांट में बर्न करने के लिए यूज करें ओके तो क्या होता है द टिपिकल रेंज ऑफ द नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस इज अबाउट 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर टन ऑफ वेस्ट इंसिनरेशन क्या बोला गया है यहाँ पे पर टन ऑफ वेस्ट इंसिनरेशन कितना 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड किलोवेट हवर का जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है ठीक है ये जो प्लांट है नेट एनर्जी यहाँ पे बोला गया ओके okay. उसके साथ इंसिनरेशन ऑफ द ऑफ अबाउट टू टू थाउजेंड एंड टू हंड्रेड ट्स पर डे ऑफ विल प्रोड्यूस अबाउट वन थाउजेंड एंड टू हंड्रेड मेगावाट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यानि कि टू थाउजेंड एंड टू हंड्रेड सॉरी पर पर डे डे ऑफ वेस्ट विल जनरेट विल जनरेट दी मेगावैट हवर दैट इज वन थाउजेंड एंड टू हंड्रेड मेगावैट हवर ठीक है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकता है उसके साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स मींस जो म्यूनिसिपल प्लांट्स हैं आर सिमिलर इन देयर डिजाइन एंड इक्विपमेंट विद द अदर स्टीम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पर्टिकुलरली बायोमास पावर प्लांट और ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट्स वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट्स है इसका जो कंस्ट्रक्शन है इक्विपमेंट्स डिजाइन वगैरह ये बिल्कुल भी बाकी के जो स्टीम पावर प्लांट है उसके सिमिलर ही होता है ऐसा बताया गया है और साथ ही साथ ये जो है म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट है ठीक है ये बायोमैस पावर प्लांट से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है ओके देन फर्स्ट द वेस्ट इज टू फैसिलिटी फैसिलिटी में जो वेस्ट है ये लाया जाता है एंड देन वेस्ट इज सॉर्टेड टू रिमूव रिसाइकलेबल हैजर्डस मटेरियल उसके साथ उसके बाद जो वेस्ट होता है उसमें से जो हैजर्डस uh, मटेरियल होता है और रिसाइकलेबल मटेरियल होता है उस हैजर्डस मटेरियल को इस वेस्ट से जो है रिमूव किया जाता है सो दैट काम का ही वेस्ट हम बर्न करें और पोल्यूशन जो है वो भी कंट्रोल हो और जो रिसाइकलेबल मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग के लिए बाकी जगह पे उपयोग हो सके ओके दे वेस्ट इज देन सॉर्टेड अंटिल इट इज टाइम फॉर बर्निंग जब तक बर्निंग का टाइम नहीं होता तब तक जो है क्या करते हैं हम ये जो वेस्ट है ये सॉर्ट किया जाता है ठीक है सॉर्ट किया ही जाता है उसके बाद सॉरी ये जो है वो वेस्ट जो है वो स्टोर्ड किया जाता है हियर जो वेस्ट है वो क्या बोला गया है स्टोर्ड किया जाता है ठीक है जब तक कि उसका बर्निंग का टाइम नहीं आ जाता ओके okay. फ्यू प्लांटिकेशन बट मोस्ट कम्बोस्टली बिकॉज इट इज इट इज टेक्नोलॉजी क्या बोला गया है बहुत से प्लांट्स है जो गैसिफिकेशन यूज करते हैं गैसिफिकेशन ठीक है गैसिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं लेकिन जो मेच्योर uh, लोग होते हैं वो क्या करते हैं कम्बोस्ट करना डायरेक्टली प्रेफर uh, करते हैं ठीक है तो डिजाइन के अकॉर्डिंग तो। तो जो होता है वो वेस्ट होता है वो बॉयलर के अंदर सेंड किया जाता है ठीक है या तो फिर बैचेस में भेजा जाता है फिर डायरेक्टली किसी भी तरीके से कंटिन्यूसली हम भेज सकते हैं ओके okay, तो ये जो डिसाइड डिजाइन होता है बेसिकली इस पे डिपेंड होता है कि हम जो वेस्ट है वो बॉयलर पे किस तरीके से भेजें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वेस्ट एनर्जी प्लांट्स इंसिनरेट 80 टू 90% ऑफ वेस्ट तो ये जो है वॉल्यूम के हिसाब से अगर दे, देखें तो 80 टू 90% का जो वेस्ट है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो है वो इंसिनरेट करने का काम करते हैं उसके बाद सम दी रेसिड्यू एश इज अलीन इनफ टू बी यूज फॉर सम पर रॉ मटीरियल मटीरियल फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स और फॉर रोड कंस्ट्रक्शन ओके एंड देन एडिशन द मेटल दैट मे बी बर्न आर कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्निस एंड सोल्ड टू दाउंड्रीज क्या बोला गया है इसमें समटाइम्स क्या होता है ये रेसिड्यू एश होती है ये जो रेसिड्यू एश जो निकलती है प्लांट्स हैं ठीक है थीके? वो बहुत ही क्लीन इनफ होती है पर्पजेस के लिए जैसे कि अदर जो पर्पजेस होते हैं हमारे और उसके साथ जो है ये ये क्या होता है जो एश होती है उसके साथ ये जो सिंडर ब्लॉक्स और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह यूज करने आने के बाद इसमें इस से तो जो मेटल्स निकलते हैं ओके जो जो मेटल्स निकलते हैं वो मेटल्स क्या किया जाते हैं कलेक्शन किया जाता है उसका फ्रॉम बॉटम ओके okay, फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्लांट एंड ये फाउंड्रीज को सोल्ड किया जाता है ओके okay. क्या किया जाता है ये फाउंड्रीज को फाउंड्रीज ये जो मेटल है ये सोल्ड किया जाता है ओके okay. सोल्ड किया जाता है बेच दिया जाता है ओके okay. इसके कलेक्शन के बाद और सम टू एनर्जी प्लांट्स कन्वर्ट सॉल्ट वाटर टू पोटेबल फ्रेश वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कूलिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस जो होती है इसकी उसके बाय प्रोसेस के हिसाब से बाय प्रोडक्ट के फ्रेश वॉटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये समी म्यूनिसिपल वेस्ट यानी कि वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट ओके जो कि यूज किए जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर कूलिंग प्रोसेस ओके तो ये था हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट का वर्किंग uh, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे इसमें बाकी का जो वर्किंग कॉमन होता है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि इस प्लांट को बाकी प्लांट से अलग बनाते हैं इसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया ओके okay, तो ये हो गया हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में